हे गाइस व्हाट इज अप, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो समूह एंड सिटी स्काईलाइंस के एक और नए वाले एपिसोड नंबर 3 में है। एक्चुअली मैं दूसरी वीडियो शूट करने वाला था दूसरे गेम की, बिकॉज सिटी स्काईलाइंस की परसों ही एक वीडियो आई थी। अभी मैं दिन भर से बिजी था एंड अभी रात के 10:30 बजे अब मेरे को सोना भी है क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है। तो इस वजह से जो गेम जल्दी शूट हो सके एंड जो गेम मैं ऑलरेडी खेला हुआ है वो वाला गेम शूट कर रहा हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मुझे तो यार आप एंजॉयमेंट देने में, आपको एंटरटेन करने में मजा आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। और सिटी स्काईलाइंस में हमारी जितनी भी सिटी बनी है फिलहाल तो छोटी सी है और ज्यादा हम लोग यार अभी रात हो चुकी है और रात में हमारी सिटी कुछ ऐसी दिखती है। लिटरली हमने यहाँ पर एक 4 शेप का बनाया है, कुछ तो अच्छा दिखता है। बट तो यहाँ पे ना हमारी एक नई वाली बिल्डिंग अनलॉक हो गई थी जो कि है ये वाली एलिमेंट्री स्कूल। तो मैंने एक एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर लगा दी है। सो लेट्स गो, अभी हमारा एलिमेंट्री स्कूल भी हमने लगा दी थी और एलिमेंट्री स्कूल हम अपना मतलब कि उसकी पहुंच है वो भी चीजें देख लेते हैं ताकि सारे सिटीजन्स ना लिटरेट रहे। तो एलिमेंट्री स्कूल अपनी, अरे मेडिकल क्लिनिक, हाँ तो मेडिकल क्लिनिक भी अपना अनलॉक हो चुका है। तो भाई मेडिकल क्लिनिक को भी लगाते हैं ताकि लोग यहाँ पे बीमार ना पड़े। तो मेडिकल क्लिनिक बनाने के लिए तो सबसे पहले यार रास्ता बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से एक रास्ता बनाते हैं। मेरे को लगता है ये वाला घर उजाड़ना ही पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ से हमको एक रास्ता बनाने का है, ऐसा एक रास्ता बनाते हैं। ओके सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक रास्ता बना दिया है एंड यहाँ पर अपना वो मेडिकल क्लिनिक लगेगा। सो मेडिकल क्लिनिक ये अपना मेडिकल क्लिनिक, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो ये पूरे के पूरे सिटी को कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ तो पूरे के पूरे सिटी को कवर कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। तो ओके मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $10,000 थी। अब सारे के सारे सिटीजन्स हमारे सिटी के खुश हो चुके हैं। तो यार ये अपना मेडिकल क्लिनिक है, देखते हैं कैसा दिखता है। वाओ काफी सुंदर है एंड भाई एम्बुलेंस भी जा रहे हैं। वाओ एम्बुलेंस देखते कहाँ जा रहे हैं, कौन बीमार पड़ गया हमारे सिटी में। ये इधर गए, एक एम्बुलेंस तो इधर गई, ये वाले घर में एक बीमार पड़ गया था इंसान और ये वाले घर में बीमार पड़ गया था इंसान। बट अभी फाइनली हमारा हॉस्पिटल सेटअप करने की वजह से आई होप वो लोग एटलीस्ट कुछ लोगों का काम तो आ ही रहे। बाकी यहाँ पर एक और नया घर बन गया है जो भी घर उजड़ा था इस रोड को बनाने के चक्कर में, तो वो भी चीजें हो चुकी है। अब यार बारी है कुछ रेजिडेंशियल जोन करने की, बट फिलहाल यार रात हो गई ना तो मैं थोड़ा टाइम को फास्ट कर देता हूँ ताकि दिन हो, क्योंकि दिन में काम करना हमें ज्यादा पसंद है। फिलहाल मेरे सिटी में यहाँ पर $24,000 बढ़ते जा रहा है अपना टैक्स एंड अपना रेवेन्यू भी बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ रेजिडेंशियल जोन सिलेक्ट कर देता हूँ। इधर ये बीच के तरफ ना हम लोग मतलब यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन रखेंगे, इधर हम लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन रखेंगे और इधर हम लोग घर रखेंगे। तो घर के लिए ना हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। भाई ये क्या बार बार ये चर्प आगे की हमको क्या सुनाना चाहती है। द सिटी इज एक्सपांडिंग वंस अगेन, हाँ एक और बार एक्सपांड हो रही है, हमको भी पता है टाइम फास्ट करो यार। तो अभी हम लोग यहाँ से गलियां बना देते हैं, सद में बनाएंगे हम लोग, थोड़ा तिरछा हो जाएगा ना, रुको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसके हमको मतलब ये जो बाकी जो लाइन है उसके पैरेलल हमको बनाने का है। तो आई गेस अब ये पैरेलल छोड़ो, अब वो रोड नहीं बनाते भाई, पिछले बार की तरह गलती नहीं करते कि बस रोड से बनाते जाओ और पैसा फूकते जाओ। तो इसको मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, ये भी अपना रेसिडेंशियल जोन हो जाए। यहाँ पर हम लोग ये कमर्शियल जोन बनाते हैं, हॉस्पिटल है और यहाँ पे मैं रेसिडेंशियल जोन बनाऊंगा, रेसिडेंशियल जोन बनाते हैं। ये लाइन ही पूरी रेसिडेंशियल जोन बनाते, यहाँ तक के रेजिडेंशियल जोन रहेगा। नहीं इधर रेजिडेंशियल जोन मैंने क्यों बनाया यार, शिट इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता क्या, बन गए भाई घर, क्योंकि उधर ना डंपिंग एरिया है तो मैं नहीं बनाना चाहता था। बाकी इधर हम लोग ये कमर्शियल जोन रख देते हैं, ये पूरे हाईवे पे कमर्शियल जोन रखेंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्या बोलते हैं, जो लोग यहाँ पर आएंगे तो मतलब जो ट्रैवल करेंगे यार, जो लोग यार मैं थोड़ा नींद में भी हूँ तो माफ कर देना, जो लोग जो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे सिटी से अंदर बाहर तो इन कमर्शियल जोन से शॉपिंग वॉपिंग कर सकते। बाकी मैंने कमर्शियल जोन बना दिया था एंड लोगों ने घर भी बना दिया, बट अभी उनको बेसिक नीड्स की जरूरत है जैसे कि पानी और बिजली। बिजली तो यहाँ पर एक विंड मिल है तो उनकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, बट तो इधर भी इनके लिए वाटर पाइप्स ला देते हैं। यहाँ से वाटर पाइप डालेंगे पूरा इधर तक के हम लोग वाटर पाइप्स डाल देंगे तो इनकी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हो जाएगी। बाकी मैं देखना चाहता हूँ कि ये भी तो यही है। बाकी यार इधर हॉस्पिटल बन गया तो इस वजह से यहाँ पर बीच में कुछ नहीं हो पा रहा है, वो बीच की जगह खाली रह रही है। हम लोग बाद में सारे जगहों को भर सकते हैं, बट यहाँ पर हमको एक नोटिफिकेशन आया कि हम लोगों को पॉलिसीज सेट करने हैं। यू कैन सेट सिटी और डिस्ट्रिक्ट वाइड पॉलिसीज फ्रॉम द पॉलिसी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बाय क्लिकिंग इट्स नेम टू सेट डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी। ओके तो हमको डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं अभी, कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और वाटर पावर यूसेज और डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर पावर यूसेज का भी हम लोगों को बनाना है, वाटर यूसेज का भी बनाना है एंड स्मोक डिटेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाने का है। पॉलिसीज रहेंगे कि कोई हमारे सिटी में स्मोक नहीं करना चाहिए, लिटरली हमारी जो सिटी वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो हमने तीनों के तीनों रूल्स यहाँ पर लगा दिए हैं। और यार अभी सुबह हो गई आई थिंक सो, या फिर शाम होने को आई डोंट नो, अभी इधर भी चीजें डेवलप हो चुकी है।
अब फटाफट से और एक्सपांड करते अपने सिटी को। अभी भाई रैपिड एक्सपांडेशन होगा, सीधा यहाँ से नहीं, वो बिल्डिंग कट जाएगी ना, यहाँ से करते हैं सीधा लेकर चलते ना ये बात, बाकी इधर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मेरा एकदम पैरेलल तो हो रहा है ना रोड, आई थिंक सो हो रहा है पैरेलल तो ऊपर से, हाँ पैरेलल तो हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग रेजिडेंशियल जोन बना देते हैं, इधर बना देंगे एंड इधर बना देंगे। बाकी यहाँ पर हम लोग ये कमर्शियल जोन डाल देते हैं। अरे मैं क्या कमर्शियल जोन डाल रहा था क्या, लिटरली शिट, अभी क्या चेंज नहीं कर सकता क्या, नहीं कर सकता यार। ठीक है, इधर मैं घर बना देता हूँ। ठीक है, मैंने घर भी यहाँ पर बना दिया है। एंड आई गेस अभी सुबह हो रही है कि शाम हो रही है भाई, तो अभी यहाँ पर आई थिंक रोड बिल्डिंग का काम होना स्टार्ट हो गया होगा। थोड़ा समय को फास्ट करते हैं एंड देखते हैं, आई थिंक रात होने को आई है, तो थोड़ा समय को फास्ट करते हैं कि क्या होगा। बाकी इन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, इन लोगों को क्राइम रेट हाई है भाई, पुलिस स्टेशन की जरूरत है इन लोगों को, नई सर्विस अवेलेबल है। कौन सी है नई सर्विस अवेलेबल बताओ ना, कौन सी है भाई नई सर्विस अवेलेबल? नहीं, ये तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, नई सर्विस कौन सी अवेलेबल है? न्यू, ये हेल्थ केयर हो गया, न्यू बिल्डिंग, अच्छा ये है। ठीक है, तो क्राइम रेट हाई हो रहे हैं, तो यार हम लोगों को ना पुलिस स्टेशन भी बनाने की जरूरत है, पर चलते हैं। एंड पुलिस स्टेशन अगर हमारा यहाँ पे रह गया तो अच्छी बात होगी, यहाँ पर भी बना सकते हैं हम लोग पुलिस स्टेशन, लेटरली बड़े वो बिल्डिंग्स टूट जाएंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं पुलिस स्टेशन, तो सारे सिटी को वो कवर कर लेगा। इधर बनाते हैं थोड़ा डंपिंग या इधर, तभी भी सारे सिटी को कवर नहीं करेगा वो, यहाँ पे रहने के बाद सारे सिटी को, सारे एरिया को कवर कर रहा है वो, तो वही करते हैं, यहाँ पर बना देते पुलिस स्टेशन। तो बाकी इतने लोग सारे के सारे लिटरली खुश हो गए। देखो पुलिस स्टेशन की पहुंच यहाँ तक आ रही, बाकी उधर फैक्ट्रीज की तरफ नहीं जा रही, तो कोई अगर उनको दिक्कत आ जाएगी तो उनके लिए अलग से उधर पुलिस स्टेशन बना देंगे। बाकी यार अभी और कुछ तो दिक्कत नहीं ना सिटीजंस को, अब इनको ये क्या दिक्कत है, क्राइम रेट आया तो मैंने पुलिस स्टेशन लगवाया ना, अब हट रहे हैं पॉप अप सुन के। बाकी इनको पानी की, तो पानी का भी सिचुएशन इनका सॉर्ट आउट कर देते हैं, इधर से वाटर पाइप्स बना देंगे, इतना ही बनाता हूँ फिलहाल, तो फिर देखते हैं अगर उनको दिक्कत, उसको फिलहाल पानी की दिक्कत तो नहीं है, वो ले रहा है। अपना टाइनी टाउन बन चुका है एंड अपनी पॉपुलेशन 950 हो चुकी है, और अभी वापस से दिन हो चुका है, मेरे को टाइम स्लो करना है, मैंने टाइम स्लो कर लिया। तक के कुछ ऐसी बनी है यहाँ पर, मस्त प्यारे प्यारे से लोगों के घर है, बाकी पुलिस स्टेशन, और देखो ये पुलिस स्टेशन भाई, पुलिस की कार आके गायब हो गई है, कि चोर भाग रहे हैं यहाँ पे से, तो लोग तेजी से क्यों भाग रहे हैं। और अभी ये न्यू बिल्डिंग यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है, जो कि है हाई कैपेसिटी एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल हमने कर दिया, और ये कौन सी है, हाई स्कूल है। तो हमको ये वाली चीजों की जरूरत है भाई, ये रेड बोल रहा है, तो ये हाई कैपेसिटी एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर लगाएंगे तो सारी कैपेसिटी कवर होगी, यहाँ सारी सिटी लिटरली कवर हो रही है। इधर लगाएंगे तो सारी सिटी कवर नहीं होती, बट इधर लगाने पर, ये कॉर्नर पे लगाने पर सारी की सारी सिटी कवर हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर ही लगाएंगे। डेंसिटी एलिमेंट्री स्कूल भी रेडी हो चुकी है, न्यू एलिमेंट्री स्कूल इज रेडी एंड ऑपरेशनल। हाँ थैंक यू सो मच सर, क्या बोल रहा था मैं, पूरा पढ़ने भी नहीं देता। न्यू एलिमेंट्री स्कूल इज रेडी एंड ऑपरेशनल टू सर्व मोर स्टूडेंट्स, सी यू इन द स्कूल। तो क्या हम लोग स्कूल को विजिट कर सकते हैं, देखते एक बार भाई, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी हमने, लिटरली ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये देखो भाई, ये होती है ना आई थिंक अपने सिटी की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, प्राउड की सबसे ऊंची बिल्डिंग। हमें मतलब यहाँ के जो सिटीजन है उनके बच्चों को ज्ञान मिलेगा एंड उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगी, तो वो बाद में हमारे टाउन का नाम रोशन करेंगे यार, बाद में हमारे टाउन का नाम बढ़ाएंगे यार। बाकी इन लोगों का दिक्कत है, इन लोगों का क्राइम रेट अबेंडेंट, अबे अबेंडेंट हो चुका है, इसको क्या दिक्कत थी भाई, अबेंडेंट कर दिया तो। अच्छा ये इधर फैक्ट्री की तरफ, मैंने गार्बेज की तरफ कर दिया था, तो इसलिए अबेंडेंट हो गई क्या, इसको अबेंडेंट कर देते, इसको अबेंडेंट कर सकते। हाँ मैं सोच रहा था कि ये जो गार्बेज वाला एरिया है ना, मैं इधर कहीं पे नहीं, वो फिर भी डंपिंग है, हाँ इधर कहीं पे करते गार्बेज वाला एरिया, बुलडोजर निकालते हम लोग यहाँ तक एक्सपांड करते हैं। ठीक है सीधा एक्सपांड, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बेसिक सा, कि बाद में मेरे को पता चले कि मैं क्या करना चाहता था यहाँ पे। ठीक है इतना यहाँ पर एक बना देते हैं, बाद में हम लोग इधर अलग से सिटी निकालेंगे। तो मैं ये कर चाहता हूँ कि मैं इस चीज को डिसलोकेट करूँ भाई, ये क्या है, रिमेम्बर टू हैव लुक एट द न्यूली अनलॉक्ड बिल्डिंग आरओजी पुलिस। अरे यार पुलिस स्टेशन आरओजी क्या है ये, पुलिस स्टेशन मेरे को अनलॉक करना था, बट मैं नहीं कर पाऊंगा अनलॉक, क्योंकि मैं रोड एक्सपांड करने में लग गया था। बट हाँ अभी यहाँ पर सिटीजंस आ रहे हैं लोग, तो थोड़ा टैक्स वैक्स कलेक्ट होगा। और अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स कैसे काम कर रहे हैं यार, सही काम तो कर रहे हैं ना। तो इसको पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत इसकी सॉल्व कर देते हैं, यहाँ तक के पानी भेज देते, पूरा कमर्शियल ही जोन है, बट फिलहाल उतना पैसा खर्च नहीं करते, यहाँ तक के भेजते हैं। और यहाँ पे भी आई थिंक घर बनने वाला है, इधर भी घर बनने वाला है, ये क्या है, आई थिंक ये कमर्शियल जोन है, आई डोंट थर वत्तर है, तो यहाँ पर शायद से घर नहीं बनने वाला, तो हम लोगों को साफ करना होगा। बाकी ये कैनल्स भी आ गए भाई, सारे चीजें अनलॉक हो रही है, बट हमारे पास पैसा नहीं बच रहा है। तो ये कैनल्स क्या है, कैनल्स यू कैन नाउ बिल्ड द कैनल्स, चूज फ्रॉम 3 डिफरेंट डेप्थ टू गेट अ कैनल सुटेबल फॉर द टेरेन, इफ यू इफ योर कैनल इज प्रोन टू फ्लडिंग, अपग्रेड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कैनल टू द लोवेस्ट कैनल टाइप इन द फ्लड कंट्रोल्स। तो अपना पता नहीं फिलहाल, इसको $12 per unit cell यार, अपना पैसा कम होते जा रहा है यार, ये कैसे बैंकक्रप्ट होगी सिटी, हाउ कैन दिस सिटी बी बैंकक्रप्ट। भाई लोग तो यहाँ पर खुश है यार, ऐसा मत करते यार गेम वाले मेरे साथ, तू टाइम लिमिट को बढ़ाते भाई, मॉडिफाई द टेरेन, मॉडिफाई करने का अपने को टेरेन को, पैसा ही नहीं बचा। हाँ पैसा आ रहा है अपने पास, थोड़ा अभी बढ़ रहा है पैसा, या फिर माइनस में नहीं जा सकता,
सकता वो आई थिंक पैसा बढ़ ही रहा है, $2,000 हो गए, $2,172.92 हो गए। बाकी यहाँ पर ये क्या है, बिल्ड पेडेस्ट्रियन प्लेन पेंट पेडेस्ट्रियन एरिया, यू कैन क्या बोल रहे हैं, यू कैन क्रिएट पेडेस्ट्रियन एरिया विद ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक यूजिंग द पेडेस्ट्रियन एरिया टूल एंड पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। एवरी पेडेस्ट्रियन एरिया रिक्वायर्स अ सर्विस पॉइंट टू फंक्शन एंड ट्राइट। वो तो पेडेस्ट्रियन एरिया बना देते हैं ना, ये बना देता है पेडेस्ट्रियन एरिया, ठीक है ना, मैंने तो बना तो दिया। हाँ, इन लोगों को पानी की दिक्कत, यहाँ पे भी घर बन चुके हैं तो इन लोगों की पानी की दिक्कत। नॉट इनफ मनी, इनफ मनी कैसे नहीं, -8 मेरे -9,000 बैंकरप्सी अलर्ट, द सिटी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, यू मस्ट कट सर्विसेज बाय शटिंग देम डाउन और रेज टैक्सेस टू गेन मोर इनकम, यू कैन ऑल्सो टेक अ लोन इफ एनी अवेलेबल। भाई आज फिर से सिटी अपनी बैंकरप्ट हो गई थी। अभी फटाक से जाते भाई, ये नई नई बिल्डिंग अनलॉक हो रही है। ये कौन सी बिल्डिंग है, फायर हाउस, तो फायर हाउस को यहाँ पर लगा लेते हैं इसके पास, ताकि लोगों की फायर भी बुझ जाए। आग जो इनके पीछे लगी है, जो इतनी ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं ये लोग, फिर भी घट रहा है यार स्टील। ये क्या है इंडस्ट्रियल, ये क्या है बिल्डर इंडस्ट्रियल एरिया, ओके तो इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्ड करना चाहता हूँ। इधर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में तो नहीं, बट हाँ मेरे को ना किस चीज में पैसा, किस चीज में जब इन्वेस्टमेंट करना था यार, हाँ ये कैनल्स में लोअर द टेरेन, और यहाँ से क्या है, यूज स्क्वेयर टू गिव वाटर इन वाटर फ्रंट अ नाइस फिनिश, ओके तो ये हम लोग कर सकते भाई, ये वाटर फ्रंट है, इसको हम लोगों को नाइस फिनिश देने का है। हाँ ये नाइस फिनिश तो हो गई, बट ये सारी चीजें करने की कोई हमको जरूरत नहीं थी, आई थिंक सो, बट जो जो बिल्डिंग अनलॉक हो रहे हैं हम लोग वो चीज कर रहे हैं। एंड अभी फिर से यार बैंकरप्सी अलर्ट आ सकता है, हमारी पॉपुलेशन 1205-1207 हो रही है, यानी कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग अनलॉक हो रहे हैं, आई मीन सिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट, ये सिटी कल तक स्मूथ चल रही थी, बट आई डोंट नो कि ये सिटी अब बैंकरप्ट कैसे हुई। मुझे यार कोई तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरे को डीएम कर देना, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो वी कैन ऑल्सो कनेक्ट, बट हाँ कुछ तो बता, मतलब बता दो मेरे को, मैं सिटी को बैंकरप्ट होने से कैसे बचाऊं, बिकॉज मैं तो नहीं चाहता था कि मेरी सिटी बैंकरप्ट हो जाए, बट स्टिल ये बैंकरप्ट हो गई है। फिर से -13,000 आई डोंट नो भाई क्या है ये। देखो मैं रोड नहीं बना सकता जिसकी कॉस्ट $1,320 है, मैं वो चीज नहीं बना सकता, $16,000 के नुकसान पे हूं मैं, नहीं मुझे बताओ कैसे नुकसान में हूं मैं, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्रीज बनाने इन लोगों को, बट मुझे ये चीज नहीं बता सकते कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ रीजन कि मेरी सिटी बैंकरप्ट हुई है। लिटरली दिमाग खराब हो रहा है, क्या करने बोले थे मुझे, और बीच में फिर इसका नोटिफिकेशन क्यों दे दिया था जबकि मेरे पास पैसा नहीं था। वैसे ये बनाना भी जरूरी है क्योंकि कल को अगर ये गेम वालों ने बारिश कर दी ना तो अपने सिटी पूरी की पूरी ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं, फ्लड आ जाएगा भाई सिटी में। और इतनी ज्यादा धूप क्यों और इतना ज्यादा ब्लरिनेस क्यों आ रहा है, 1251। हाँ ये अब बोल रहा है कि तुम होटल बिल्ड करो स्मॉल, यहाँ पे बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है। देखो मैं लास्ट वाली जो सिटी बनाया था उसमें मैं लोगों की बेसिक नीड्स था तो वो सिटी बैंकरप्ट हो गई थी, अब इस सिटी में मैं लोगों की बेसिक नीड्स जैसे कि बिजली पानी स्कूलिंग फायर सेफ्टी ये सारी चीजें कर रहा हूँ, बट स्टिल आई डोंट नो एंड मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग विद इस सिटी, इतनी ज्यादा बैंकरप्ट कैसे हो रही है। लगातार इसका जो है वो निगेटिव में जा रहा है, -36,000 -37,000 हाउ कैन दिस, ये सब कैसे हो सकता। मुझे लगता है कि इट्स वेरी हार्ड टू से, बट आई थिंक सो कि हमको फिर से एक नई सिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट इफ तुम लोग नहीं चाहते कि मैं नई सिटी स्टार्ट करूं, एंड तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं इसी सिटी को कंटिन्यू करूं, तो मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, मैं फिगर आउट करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना तुमको जो भी लगता है ना, तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, या तो फिर किसी अगर यूट्यूबर ने समझाया होगा तो तुम वो भी चीज मेरे को बता सकते हो। जस्ट कनेक्ट विद मी बिकॉज आई लव यू एंड विल लव यू टिल द इटर्निटी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और कल एक मस्त गेम की वीडियो आ रही है। बाकी एक बंदे ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रैम सिम्युलेटर गेम सजेस्ट करा था, तो फिलहाल मैं जहां पर रहता हूं वहां पर वाईफाई की काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो आई कांट इंस्टॉल इट, बट जब भी वाईफाई की दिक्कत सॉल्व हो जाती है तो मैं उसको इंस्टॉल जरूर करूंगा। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहा हूँ क्या मैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पर्सनल बातें तुम लोगों से शेयर करनी चाहिए, बट अगर तुमको ये चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही होगी तो मैं नहीं करूंगा, बट हाँ मेरी मर्जी भाई, मैं अपने आपको रियल दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के आगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ एंड मिलते कल 8:30 बजे।